आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये ढाबा स्टाइल पनीर ग्रेवी की रेसिपी शेयर करी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको बहुत ही दिल से वेलकम है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है करीब 4 टेबल स्पून। यहाँ सरसों का तेल ही आप लें जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ हमने करीब 4 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया है, मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया और इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे करते हुए, तब तक जब तक इसका पानी पूरा सूख जाए और इस तरीके से हल्की फ्राई हो जानी चाहिए, कच्ची टाइप की नहीं, मतलब हल्की फ्राई हो जाए। उस टाइप पर हम इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में हम डाल देते हैं इसमें लहसुन और अदरक, लहसुन हमारा 10 से 12 और 1 इंच अदरक का। यहाँ हरी मिर्च हमने 10 से ली है करीब, आप 6 से 7 ले लें, हमने थोड़ा तीखा बनाया था तो 10 करीब ले ली थी। तो आप इस टाइम पे इसमें सब कुछ ऐड कर लें और इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर लें। 2 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें करीब 10 से 12 काजू जो हमारे टुकड़ों में है इसे भी मिक्स कर लिया हमने और हाई फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये तब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम अपने पनीर को मैरिनेशन तैयार करते हैं। पनीर के मैरिनेशन के लिए हमने करीब 400 ग्राम पनीर लिया है जिसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। आप अपनी पसंद की कोई भी टुकड़ों में इसे काट लें, छोटे बड़े जैसे भी। इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें। इसे मैरिनेट करिए करीब 15 से 20 मिनट तक हम साइड में रख देंगे और तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे जब तक कि हमारे मैरिनेट हो जाएंगे। तो साथ ही हमारे मिक्सर जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसे मिक्सर जार में डाल के इसे आधा कप पानी के साथ इसे फाइन पेस्ट इसका बना लेंगे। हम इसे पीस लेते हैं तब तक। बस इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब दूसरे पैन में हमने ले लिया 2 टेबल स्पून तेल और हमने जो मैरिनेशन के पनीर रखे हुए थे मैरिनेट हो चुके हैं, उसे हम फ्राई कर लेंगे। जब बस इसे हल्का ही से फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, सारे मॉइस्चर इसके सूखने से ये कड़क से हो जाएंगे। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया, बस ये हमारे हो गए, इसे साइड में रख लेते हैं। अब सेम पैन में हमने 2 टेबल स्पून तेल को ऐड किया, हमने मस्टर्ड ऑयल ही यहाँ पे लिया और साथ ही में 1 टेबल स्पून बटर को ऐड कर लिया है। फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर दी हमने और सारे ड्राई मसालों को ऐड कर लें, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हमारा और जीरा पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च कलर बढ़ाने के लिए। अब इस स्टेज पे चाहें तो तीखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्च ज़्यादा ली थी इसलिए यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हैं। अब ये गैस की फ्लेम ऑन कर लें और इसमें साथ ही से बस 2 सेकंड के लिए इसे घुमाते हुए हमने अपने पिसे हुए मिक्सचर को भी इसमें साइड में ऐड कर लिया है। बस हमारे सारे चीज़ें इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएंगे, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसके कलर थोड़ा डार्क हो जाएंगे। ये थोड़ी 2 मिनट तक कुक होने के बाद इसके कलर थोड़ा चेंज हो जाएंगे और ये अच्छे से इसका कलर देखिए कुछ इस तरीके से आ गया था। तो बस इस तरीके से कलर आ जाएगा। अब ये हमारे मिक्सचर थोड़ा गाढ़े हैं, इस वक्त पर हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। उससे पहले हम नमक को ऐड कर लेते हैं जो हमने अभी बिल्कुल भी नहीं डाला था। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाल लें और हमने 1 कप पानी के साथ इसे बॉयल होने तक दिया है थोड़ा और इसे ढक देते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे इस तरीके से पकने देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगेंगे तो हम इसे बार बार बीच में चेक भी करते रहेंगे कि ये ड्राई ना हो, सूखे ना, और ज़रूरत मुताबिक हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और ये नीचे से पकड़े ना। ये देखिए जब इसमें हल्की हल्की शाइन तेल जैसी आने लगेगी उस स्टेज पर हमने ऐड कर लिया 1/2 कप क्रीम। बस क्रीम के साथ हमारे बॉयल्स आने लगे हैं, इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर देते हैं और इसे ढक के रख देते हैं फाइनली करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे और बीच बीच में आप ज़रूर चेक करते रहें कि ये जले ना और इसके पानी बिल्कुल सूख ना जाए। बस इसे ढक के इस तरीके से कुक करेंगे, जब इसके ऑयल ऊपर तक आ जाएंगे तब तक इसे पकाना है। बस इसके ऑयल जब तक पूरे बहुत अच्छे से ऊपर तक आ चुके रहेंगे उस स्टेज पर हम अपनी फ्राई की हुई पनीर को इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही में हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी, इसको हाथों से रगड़ के इस तरीके से डाल देंगे, इससे इसकी स्मेल और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो बस हमने यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है इसमें और साथ ही में हम थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और इसे बस मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। देखिए पक चुके हैं, साथ ही में बहुत अच्छे से हमारा कुक हो गया। आप तब तक ज़रूर पकाएं जब तक इसके ऑयल स्प्रेड ना हो जाए और बहुत ही शाइनिंग से ये स्मूथी से हमारी ग्रेवी तैयार ना हो जाए। बस हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल पनीर ग्रेवी बनके तैयार हो गई। तो अगर आपको मेरी पनीर ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक का बटन दबा के इसे लाइक ज़रूर कर दें। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।